जय भीम साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, दिलीप मंडल हुए संघ ही, रवीश कुमार भी घिरे, ये आज इस चर्चा का टॉपिक है। प्रोफेसर दिलीप मंडल, जिन्हें आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग बहुजन समाज के लोग उन्हें जानते हैं, खास पहचान रखते थे बहुजन समाज में, लेकिन इस समय वो बीजेपी और RSS की गोद में जाकर बैठ चुके हैं और उन्होंने दिन भर आज क्या किया है उस पर मैं बात करूँगा। साथ ही रवीश कुमार जो हैं वो आकाश आनंद की बसपा से विदाई के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर एक टिप्पणी को लेकर, उन पर एक शो को लेकर घिर चुके हैं, जिसको लेकर आज दिन भर सोशल मीडिया पर बवाल होता रहा। इस बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम रवीश कुमार पर बात करें, मैं आपको प्रोफेसर दिलीप मंडल के बारे में कुछ जानकारियां दे देता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे ही बीजेपी के फेसबुक पेज पर जाएंगे, ये देखिए, ये आप फेसबुक पेज देख रहे हैं बीजेपी का, ये बीजेपी का फेसबुक पेज है और यहाँ आप आकर देखेंगे तो आप देखिए, ये बीजेपी के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे आपको प्रोफेसर दिलीप मंडल के लगातार आपको वीडियो मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह के 8 वीडियो प्रोफेसर दिलीप मंडल के इन्होंने डाले हुए हैं। और प्रोफेसर दिलीप मंडल के अलावा आप देखेंगे मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक वीडियो है, बाकी और जो उनका वीडियो है, 8-8 वीडियो आप देखिए कि प्रोफेसर दिलीप मंडल के मुस्लिम्स पर, कॉन्स्टिट्यूशंस पर, राहुल गांधी पर, सोशलिज्म पर, मुस्लिम रिजर्वेशन पर, ट्राइबल प्रेसिडेंट पर, इस तरह के जो टॉपिक के साथ में रील बनाकर बीजेपी ने शेयर किया है प्रोफेसर दिलीप मंडल का। जो प्रोफेसर दिलीप मंडल कल तक सोशल जस्टिस की बात करते थे, बहुजन समाज की बात करते थे, बहुजन समाज के लिए हक अधिकार की बात करते थे और बीजेपी को दलित विरोधी, बहुजन विरोधी, OBC विरोधी, आरक्षण की हकमारी करने वाली पार्टी बताते थे, आज वही बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उनका ऑफिशियल चैनल आज दिलीप मंडल के, प्रोफेसर दिलीप मंडल के वीडियो शेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप देखिए, ये यहाँ पर आप आएंगे, ये स्मृति ईरानी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी के। आप जैसे ट्विटर पर आएंगे तो आपको प्रोफेसर दिलीप मंडल का वीडियो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और जो स्मृति ईरानी है वो वीडियो को शेयर किए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है, और प्रोफेसर दिलीप मंडल के वीडियो को यहाँ पर एक इंटरव्यू का टुकड़ा है जिसको शेयर करते हुए वो लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बचाओ बचाओ का नारा दरअसल संविधान के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और अपनी पार्टी को बचाने के लिए है। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल अब कैसे बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, कैसे बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए खेल रहे हैं, वो अब इन चीज़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है कि बीजेपी के ऑफिशियल जो उनके मंत्री हैं, जो उनके लोग हैं, वो अब उनके वीडियोस को, उनके ट्वीट को, उनके कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो अमित मालवीय हो, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, या फिर बीजेपी का ऑफिशियल पेज हो, लगातार इस तरह के आप देखेंगे वो शेयर कर रहे हैं और प्रोफेसर दिलीप मंडल के बारे में जो वीडियो हैं, उनके जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर शेयर करके जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो एक सीधे सीधे बीजेपी के प्रवक्ता RSS की गोदी में जाकर बैठ गए हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल, वो इससे साफ हो जाता है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, इससे पहले कि मैं आपको रवीश कुमार की बात बताऊं, उससे पहले यह बात मैं क्यों बता रहा हूं, वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रोफेसर दिलीप मंडल ने आज सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जिसमें जो हैशटैग था वो था शर्म करो रवीश कुमार पांडे। ये हैशटैग जो है सोशल मीडिया पर आज दिन भर चलता रहा और रवीश कुमार का एक शो उन्होंने किया आकाश आनंद के ऊपर, जो बहन जी ने कार्रवाई की, उनको बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया और उनको कुछ समय के लिए ब्रेक दे दिया है बेसिकली, और उस पर रवीश कुमार ने एक शो किया और उसमें रवीश कुमार ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, थंबनेल ऐसा बनाया, आप ये थंबनेल जो है ये देख सकते हैं, इसमें बहन जी का जो फोटो है वो बहुत छोटा लगाया, चेहरा मुरझाया हुआ लगाया और एक तरीके से उनको छोटा, उनका कद छोटा दिखाने की कोशिश की, अपना फोटो बड़ा लगाया, आकाश आनंद का उनसे बड़ा लगा दिया और ये उनका कद जो है छोटा करने की कोशिश करने का आरोप लगा रवीश कुमार पर। और साथ ही ये इनके वीडियोज को आप देखेंगे तो उसमें ये भी कहते दिख रहे हैं कि बहन जी को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए कि कैसे ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको उत्तराधिकारी बना रही हैं। और जो रवीश कुमार, उन्होंने ये भी कहा कि बहन जी को सुनीता केजरीवाल से सीखना चाहिए कि सुनीता केजरीवाल से सीखें कि वो कैसे उनके पति को गिरफ्तार करने के बाद भी वो कैसे लड़ाई लड़ रही हैं, हिम्मत से डटी हुई हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने रवीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो जातिवादी हैं और वो बहन जी का
अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बहन जी की कोई रैली कवर नहीं की, आकाश आनंद की कोई रैली कवर नहीं की, जबकि कन्हैया कुमार के लिए उन्होंने शो किया, बाकी लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए वो लगातार कवरेज करते रहते हैं, लेकिन बहन जी के बारे में वो इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आप जो रवीश कुमार को जानते हैं, उनकी पत्रकारिता को जानते हैं, वो सब समझते हैं कि कैसे वो महीन तरीके से खेलते हैं। ये इस बात में कोई दोराई नहीं है कि जाति हकीकत है, जातीय चरित्र होता है पत्रकारों का, वो पत्रकारिता करते हैं तो उनमें उनकी जाति झलकती है। रवीश कुमार के ऊपर भी ये गंभीर आरोप लगे कि वो अपनी जाति के नेताओं का बचाव करते हैं, जाति के नेताओं की रिपोर्टिंग करते हैं और बहुजन समाज की पार्टियों को, बहुजन समाज के नेताओं को वो उतने महत्व नहीं देते हैं। ये आरोप रवीश कुमार पर भी लगा और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उन्होंने भी इनके ऊपर आज जो है दिन भर ये ट्रेंड चलाया। लेकिन इस बीच में प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस ट्रेंड को जब शुरू किया तो हम सुबह ही, मैंने भी ट्विटर पर लिखा और मैंने इस बात को लिखा कि ये जो ट्रेंड है, दरअसल ये प्रोफेसर जो दिलीप मंडल है वो इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो बीजेपी के पाले में वो चले गए हैं तो वो अब जाहिर तौर पर लोग उनको समझ रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, किसके लिए वो बैटिंग कर रहे हैं, तो लोग उनके चेहरे को पहचान गए हैं, उजागर हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं। तो अब बहुजन समाज के नाम पर जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई थी, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, वो पहचान अब कहीं ना कहीं खो रही है। लोग पहचान रहे हैं उनके, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे और लोग कह रहे हैं कि भैया आपने बहुजन समाज के ऊपर से जो भरोसा कमाया था, उनके लोगों की जो आपने भरोसे को बेच दिया, आपने बीजेपी आरएसएस के हाथों में, आप उनके हाथों में चले गए हैं, उनके लिए आप इलेक्शन के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर आप उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो वो भरोसा अब जो है ख़त्म हो गया तो कैसे कमाया जाए। प्रोफेसर दिलीप मंडल मास कम्युनिकेशन के टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तो जहां मास वहां पे प्रोफेसर दिलीप मंडल, ये बात उनके बारे में कही जाती है कि मास कहां है बहुजन समाज, मास माने जनता, जनता कहां है वो बहुजन समाज है। उधर तो बीजेपी के तो ऑफिशियल हैंडल उनको ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, संघी लोग कर रहे हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज अब प्रोफेसर दिलीप मंडल से छिटकता जा रहा है। इसलिए प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इसमें कहें कि आपदा में अवसर ढूंढा, ये इस मौके को लपका और रवीश कुमार के बहाने अपनी पैठ को बनाने के लिए, अपने भरोसे को दोबारा से बनाने के लिए बहुजन समाज में बहन जी के नाम पर ये हैशटैग चलाया और उसके नाम पर रवीश कुमार तो बहाना बन गया लेकिन अपनी पैठ बढ़ाने के लिए। ये बहुत गंभीर बात है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि वो दोबारा से उसमें कैसे अपना भरोसा कायम कर पाए बहुजन समाज में कि देखो मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, तुम्हारे ही भले की बात बोल रहा हूँ। और देखिए बहन जी के ऊपर इन्होंने, रवीश कुमार ने कुछ आपत्तिजनक बात की तो मैंने उसकी खाट खड़ी कर दी, मैं उसके पीछे पड़ गया। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर प्रोफेसर दिलीप मंडल की ओर से की गई और यहाँ पर आप देखें कि वो लगातार इस हैशटैग के साथ में आज दिन भर जो है वो ट्वीट करते रहे, ये दिन भर हैशटैग जो है चलता रहा और वो दिन भर लिखते रहे और लोग जो हैं वो रीट्वीट करते रहे, तो दिन भर आज सोशल मीडिया पर इस तरह से चलता रहा। और जो है वो देखिए यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल की, बहुजन यूट्यूबर्स ने अगर आज समाज के अपमान पर मुंह नहीं खोला तो मैं सबको अनसब्सक्राइब करूंगा, अगर बहन जी के सम्मान में मुंह नहीं खोलना है तो किस बात के बहुजन। तो ये इस तरह से बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुजन कार्ड खेल के लोगों को इस तरह से बोल के कि देखिए बहुजन मैं हूँ और बहन जी के लिए मैं जो है बर्दाश्त नहीं करूँगा ऐसे शब्दों का, बहुजनों का भरोसा दोबारा पाने के लिए ये सब शुरू किया। और देखिए इस तरह से ये अजय पटेल लिख रहे हैं, सच्चे बहुजन यूट्यूबर खबर दे रहे हैं यहाँ पर जो है, देखिए उन्होंने खबर बनाई है और ये तमाम आप ट्वीट देखेंगे तो लोग जो हैं बहन जी के बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। ये देखिए सूरज कुमार बोध जो हैं वो लिखते हैं, कन्हैया कुमार एक भूमि आ रहे हैं, आता रवीश ने उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए जनेऊ खोलकर खूब नाचा, लेकिन जब उसने बहन जी वैकाश आनंद जी पर वीडियो बनाया तो उनके खिलाफ कांग्रेसी नैरेटिव बनाने के लिए निजता की सारी अदेब पार कर दी, हद होती है, कुछ शर्म है कि नहीं रवीश, शर्म करो रवीश पांडे। तो इस तरह से ये दिन भर जो है आज चीज़ें चलती रही और रवीश कुमार के नाम पे ये खूब दिन भर ट्रेंड चला है। रवीश कुमार ने जो बहन जी पर टिप्पणी की है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहन जी बहुजन समाज की बहुत बड़ी लीडर हैं, बहुजन समाज उनके प्रति बहुत सम्मान रखता है, उनके बारे में बात करते हुए रवीश कुमार को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए क्योंकि बहुजन समाज अपनी नेता के प्रति ऐसी बातों को नहीं सुन सकता। सुनीता केजरीवाल से क्या सीखना बहन जी को, ममता बनर्जी से बहन जी को क्या सीखना और किस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और बहुजन समाज ने आज उनको ये बता भी
भी दिया, दिन भर ट्रेंड किया, दिन भर जो है लोग लिखते रहे और बता दिया कि कैसे वो अपने नेता की, अपने बहन जी की अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन इसके बीच में मैं आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूँ, वो ज़रूरी बात यह है कि कैसे प्रोफेसर दिलीप मंडल जैसे लोग इस तरह के मौक़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल करने के लिए, जनता के, बहुजन समाज के भरोसे को पाने के लिए। उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के मुद्दों पर लिखा है और हमने हमेशा उनको सराहा है, बहुजन समाज हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। जब भी कोई बात हुई, वो चाहे उनके अपमान की बात हो, उनके किसी भी तरह की बात हो, मैं खुद वहाँ पर खड़ा रहा हूँ, मैंने खुद उनके लिए लोगों से झगड़े किए हैं, तो आप देख सकते हैं उन चीज़ों को कि हमेशा हम उनके सम्मान के लिए खड़े रहे हैं। लेकिन चुनाव के बीच में जिस तरह से वो बीजेपी के पास चले गए हैं, आरएसएस की बोली बोल रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो वाकई में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी के आदर्शों को मानते हैं, बहन जी के सिद्धांतों को मानते हैं, तो बहन जी जिनके खिलाफ लड़ रही हैं, बहन जी जिन आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ लड़ रही हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही हैं, उनके पास दिलीप मंडल जैसे लोग कैसे चले गए, उनकी गोद में कैसे बैठ गए। जिन लोगों से बहन जी लड़ रही हैं उनके साथ वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की भाषा कैसे बोल रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो जाता है। अगर वाकई में अगर प्रोफेसर दिलीप मंडल को बहन जी से इतना प्यार है, इतना प्रेम है, तो उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दरअसल ये बहुत ही सोची समझी एक साजिश के तहत इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज का इस्तेमाल हो जाता है और वो ठगे रह जाते हैं। इसलिए मुझे समझ में आया कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं, ताकि दुख तो मुझे भी है कि ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है और जिनको हम बहुत इज्जत से देखते हैं, जिनको हम बहुत सीखते हैं, जिनसे उनके बारे में इस तरह की बातें बोलनी पड़ रही हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चुप नहीं बैठा जा सकता। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में सच का साथ तो देना ही पड़ेगा, न्याय का साथ तो देना ही पड़ेगा, इसलिए प्रोफेसर दिलीप मंडल की भी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि आप भी लिखें, बोलें, आप बोलिए, क्योंकि ज़रूरी है। बहुजन समाज को इस तरह से ठगा जाना कहीं ना कहीं भरोसे को कम करेगा, लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे इस वजह से, क्योंकि देखते हैं कि भाई उन्होंने ठग लिया, कोई और आएगा वो भी ठग लेगा, इसलिए आपको भी बोलना ज़रूर चाहिए। कमेंट करके बताएं, आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।